कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आया हूँ आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर। तो वो एक योगा का पोज है जो कि कहते हैं उसको ग्रास हॉपर पोज। तो उसका ट्यूटोरियल लेके आया हूँ मैं आपके सामने, और अगर कोई सीखना चाहता है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखो। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, अप्रॉक्स 4 to 5 स्टेप्स हैं इसके करने के, और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्राई तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप सीख भी बहुत जल्दी जाओगे। तो ग्रास हॉपर पोज होता कैसे है, कैसे करते हैं, आइए चलते हैं। तो पहला स्टेप, पहला स्टेज जो है ग्रास हॉपर पोज का, वो क्या है, आपको पहले अपने दोनों फीट को पास रखना है और एक ऐसे पोजीशन बनानी है, ऐसे पोजीशन में आना है। आपके हाथ जुड़े होने चाहिए और इतना गैप होना चाहिए पैरों के बीच में, इतना गैप नहीं, इतना गैप होना चाहिए पैरों के बीच में। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, ऐसे करना है और हाथों को ऐसे जोड़ना है। देखो ये करना है, इसको ऐसे करना है और हाथों को ऐसे जोड़ना है, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेप रहेगा, पहला स्टेप, देन दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, आपको आपके कोहनी को अपने फीट के नीचे लगाना है और ऊपर देखना है ऐसे। ये आपका थर्ड पोज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आप कर लेना थर्ड पोज। अब चौथा पोज क्या है इसका, देखो ऐसे जाना है आपको, ये आपका चौथा पोज है, ठीक है। आपको पहला, दूसरा, देन तीसरा एंड लुक अप, ठीक है। चौथा आपको इसी में नीचे जाना है, इसी को लगाए हुए, और फिफ्थ आपको क्या करना है, बैलेंस, ठीक है। पहले आप चौथे में ऐसे बैलेंस कर लेना, पोस्चर ऐसे बनाना, ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, बैलेंस करना है ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है। ये आपका पछुआ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको अच्छे से कैसे करते हैं। तो प्रॉपर इसको करने का अब देखो तरीका क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले पहले बताया था आपको, ऐसे बैठ जाना है इतना पे, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और फिफ्थ में क्या करना है आपको, होल्डिंग ऐसे, ठीक है, और अपने पैर को ऐसे साइड में खोलना, ये हो जाएगा ग्रास ऊपर पोज ऐसे, ठीक है, देख लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करना, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।